प्रभात खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं सुबह 9 बजे तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें महानगर की। राज्य में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच दिलीप घोष को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद से हटाया गया। उनकी जगह डॉक्टर सुकांत मजुमदार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर सुकांत मजुमदार बालूरघाट के सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है और ऐसा हुआ भी। वहीं दिलीप घोष को राष्ट्रीय राजनीति में लाया गया है। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। সেই লড়াইয়ে কিছু লোক ভয় পেয়ে হয়তো চলে যেতে পারে, কেউ লোভে চলে যেতে পারে, কিন্তু বিজেপি একটি আদর্শ নির্ভর দল। কোনো নেতা চলে গেলে তার সাথে আদর্শ চলে যায় না। আমিও যদি চলে যাই কোনদিন তাও আদর্শ যাবে না, আদর্শ এখানেই থাকবে। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা সেই আদর্শকে সামনে রেখে পদ্ম ফুলকে হাতিয়ার করে লড়াই করেছে। বিগত 70 বছর ধরে তারা লড়াই করছে, আগামী দিনেও তারা লড়াই করবে। দিলীপের সাথে কথা হয়েছে, দিলীপদার আশীর্বাদ চেয়েছি এবং দিলীপদার যেখানে কাজ শেষ করেছেন, যে শক্তিশালী ভিতের উপরে দাঁড় করিয়ে গেছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে এবং তার পূর্ববর্তী রাজ্য সভাপতিগণ, অবশ্যই তারা তাদের প্রত্যেকে যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তাদের আশীর্বাদ দিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে। টাকার বিষয়ে নেই, দায়িত্ব এমপি যখন দায়িত্ব পেয়েছিলাম সেটাও একটি দায়িত্ব ছিল, এটিও একটি দায়িত্ব এবং কোনো দায়িত্ব চিরস্থায়ী হয় না। আজ আমি আছি, কাল অন্য কেউ ছিলেন, আগামী দিনেও অন্য কেউ হবে এবং সেই দায়িত্বকে পালন করার চেষ্টা করবো। উপ ঈশ্বর আমাকে যতটুকু শক্তি দিয়েছেন সেই সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমি চেষ্টা করবো সেই দায়িত্বকে পালন করার। ममता बनर्जी के स्वास्थ्य साथी योजना को लगा धक्का। कोलकाता के कई निजी अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करना किया बंद। 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा सितंबर के बारिश ने। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण रविवार रात से हो रही भारी बारिश आज भी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश के साथ बादल भी गरजेंगे। मछुआरों को अगले 24 घंटे समुद्र में जाने से मना किया गया है। कोलकाता के लिए येलो अलर्ट, कल तक बारिश जारी रहने की संभावना। बारिश का असर कई अस्पताल परिसरों में भी। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन केपीसी मेडिकल एसएसकेएम मारवाड़ी रिलीफ के पास दिखा जलजमाव, परेशान हुए आउटडोर के मरीज। बारिश में बार बार महानगर में जलजमाव होने को लेकर दिलीप घोष ने सरकार से पूछा कि आखिर लोगों को इससे कब तक राहत मिलेगी। दुर्गा पूजा में अब केवल 20 दिनों का समय ही बाकी है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश ने कुम्हार टोली के मूर्तिकारों की परेशानी को बढ़ा कर रख दिया है। मूर्तिकारों को मूर्तियों को बनाने में क्या समस्या आ रही है, पूरी जानकारी लेते हैं हमारे कैमरा पर्सन प्रत्यय मुखर्जी से। ये बिस्टिर मध्य मैंने मटी सुखते असुविधा हे तरह क्च करते असुविधा हे हेलोजिन दिए शुकुते हैं, एरपर पाखा दिए शुकुते हैं, तरह अपना टिकिया दिए शुकुते हैं আগুন জ্বালিয়ে। এইসব কারণে একটু বৃষ্টির মধ্যে অসুবিধা হচ্ছে, বাইরে ঠাকুর রাখা যাচ্ছে না, সব ভেতরে রাখতে হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে কাজের। सोशल मीडिया के आने से लोगों का एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन जरिया मिल गया है। आए दिन दुनिया भर से तरह तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीं इन दिनों एक बंगाली इन्फ्लुएंसर सैंडी शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोलकाता के माँ फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक के बीच डांस करते दिख रहे हैं। इसी वीडियो के मद्देनजर अब कोलकाता पुलिस ने सैंडी पर जुर्माना लगाया। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। भारी बारिश के कारण दक्षिण 24 परगना जिला बुरी तरह प्रभावित। 8 ब्लॉक और 4 पालिका हुआ जलमग्न। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी नहीं रहे। प्रयागराज के मठ में फांसी पर लटका मिला शव, 7 पेज का सुसाइड नोट भी मिला। शिष्य आनंद हरिद्वार में हिरासत में लिए गए। आज का राशिफल मेष राशि। आप लोगों के लिए आज का दिन परेशानी भरा, लेन देन पर नियंत्रण रखें। वृष राशि। इस राशि वालों को आज लाभ होगा, बकाया भुगतान मिल जाएगा। मिथुन राशि। अपने काम में लगे रहें, आज का दिन प्रगति प्रधान है। कर्क राशि। समस्याएं जो आपका पीछा कर रही हैं, उसमें थोड़ा सुधार संभव है। सिंह राशि। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें। कन्या राशि। किसी मांगलिक प्रयास में सफलता संभव है। तुला राशि। दिन लाभदायक रहने की आशा है। वृश्चिक राशि। समस्याओं में सुधार होगा, आज का दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि।
अपने मित्रों घर परिवार के सहयोग से आपके काम में सुधार होगा। धनु राशि, कोई पारिवारिक समस्या चिंता का कारण बन सकती है, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। मकर राशि, चल रहे प्रयासों में प्रगति होगी। कुंभ राशि, दिन प्रसन्नतादायक समाचार लेकर आ रहा है। मीन राशि, सफलतादायक स्थिति बन सकती है। धन्यवाद। आज का मौसम, महानगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गरज के साथ बौछार होने की संभावना है। हवाएं 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं रात 9 बजे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।